नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया नाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी ही गंभीर समस्या के बारे में, दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन के बारे में। NCR में बढ़ता पॉल्यूशन लगातार सबके जीवन के ऊपर काफ़ी हानिकारक असर डाल रहा है। सिर्फ NCR ही नहीं, इसके पॉल्यूशन का असर आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जैसे मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली के आसपास के जितने शहर हैं उन सभी शहरों में इस पॉल्यूशन का असर देखने को मिल रहा है। आज हमारे बीच कुछ लड़कियां मौजूद हैं कॉलेज से, जो दिल्ली के रहने वाली हैं, और ये हमें पॉल्यूशन के बारे में बताएंगी कि इनको यहाँ कौन कौन सी समस्याएं जो यहाँ हैं इनको पॉल्यूशन में झेलनी पड़ रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दिवाली के बाद लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको इस पॉल्यूशन में सांस लेने में कैसी दिक्कतें महसूस होती हैं? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं पोल्यूशन की वजह से। अब जैसे पहले से आपने देखा कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन जब से दिवाली का टाइम आया है, दिवाली के बाद से और भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। दिवाली की वजह से इतने सारे कहने को पटाखे बैन हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। बहुत सारी धुआं लेने बहुत सारा धुआं हो रहा है हवा में, सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तरह तरह के मास्क आ रहे हैं जिससे हम लोग बचा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं ये पोल्यूशन की वजह से। तो जैसे इन्होंने जैसे बताया कि पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या करा जा सकता है? हम प्लांटेशन कर सकते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाने से, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और ऑक्सीजन उससे हमें मिलेगी, इससे हमें सांस लेने में भी मतलब दिक्कत नहीं होगी। और जो ये केजरीवाल ने और इवन स्कीम लगाई है, इसको मतलब सिर्फ इतने दिनों में मुझे नहीं लगता कोई पॉल्यूशन कम होगा, थोड़ा और लंबा करना चाहिए इनको। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि केजरीवाल ने जो ऑड इवन की स्कीम लगाई है उससे पॉल्यूशन कम करा जा सकता है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इतना ट्रैफिक हो गया है कि लोगों को चलने की जगह भी नहीं मिलती है। ऑड इवन लागू होने के बाद भी बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ कर दी गई हैं। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ कर दी गई हैं और हाई अलर्ट चल रहा है इस टाइम दिल्ली में, तो आप जैसे कॉलेज जाने वाले हैं, तो आपको कैसा लगता है कि आप जैसे पॉल्यूशन में एक मास्क लगा के जब कॉलेज जाते हैं, तो आपको सांस लेने में किस तरह के कैसे किसी दिक्कत को आपको महसूस करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जैसे हम लोग रोज़ अप डाउन करते हैं कॉलेज, हमारा डेली जाने का होता है, तो बहुत जैसे बाहर निकलते ही हम लोग खुली फ्रेश हवा हमें चाहिए होती है, तो उसकी जगह हमें पॉल्यूशन मिलता है, पूरी पॉल्यूशन से भरी हुई हवा मिलती है। और जैसे मैं तो मास्क यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी अगर मुझे मास्क यूज़ करना पड़ा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई, जैसे कल मैं आई अपने घर से, तो मैं ट्रैवल करके आई तो आँखों में इतना इरिटेशन हो रहा था, पूरा आँसू आ रहे थे, और पूरे नोज़ में चला गया वो पूरा पॉल्यूशन, और गले में भी उसकी वजह से काफ़ी मुझे इरिटेशन हुआ था। इनको जैसे इरिटेशन की दिक्कत महसूस हुई, आँखों में जलन की दिक्कत महसूस हुई है, इसी तरह दिल्ली के हर एक सदस्य को, हर एक नागरिक को, जो दिल्ली के आसपास के शहरों में जो रहने वाले हैं, उन सबको इन सबकी दिक्कतों का महसूस करना पड़ता है, इन सबकी दिक्कतों को झेलना पड़ता है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अब पॉल्यूशन को इन्होंने रोकने का तरीका बताया, उन्होंने बताया कि किस तरह से दिक्कतें महसूस होती हैं, तो आपके क्या विचार हैं आपके पॉल्यूशन के बारे में, कि क्या है, क्या बताना क्या चाहेंगे? पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार है, उतने ही जितने की गाड़ी है पटाखे, तो हम लोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग खुद जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेकर। अगर हम लोग अपने घर में प्लांटेशन करते हैं या फिर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते, तो शायद पॉल्यूशन कम हो सकता है इससे। अगर हम लोग खुद भी अवेयर होंगे तो शायद हम लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। तो अब मैं नीलम से पूछना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली में लगातार पटाखों की वजह से इतना पॉल्यूशन हो गया, गाड़ियों की वजह से इतना पॉल्यूशन हो गया, तो क्या है मतलब सिर्फ इन सारी चीज़ों को लागू करने से, पटाखे बैन होने के बाद भी इतना जो पटाखे बेचे गए हैं उसको इतना बैन करने के बाद भी जो इतना पॉल्यूशन हुआ है, पटाखे लगातार हर जगह फोड़े गए हैं, तो खाली इन सारी चीज़ों से तो पॉल्यूशन नहीं रुक सकता, तो आपके क्या विचार हैं?
पटाखे वगैरह बैन करने से इसे पॉल्यूशन नहीं रुक जाएगा। अगर पॉल्यूशन कम करना है तो लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए, जो वनों की जो कटाई है उसको रोकना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि लोग चूल्हा ना जला कर, क्योंकि चूल्हे में जो लकड़ी जलती है उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको ना जला कर गैसों का यूज़ करना चाहिए। और जो गाड़ियाँ, जो लोग गाड़ियाँ लेके निकलते हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि बसों वगैरह का यूज़ करें ताकि पॉल्यूशन इन सबसे और कम हो सके। तो जैसा कि इन सब ने